पार के जो एलिजिबिलिटी है बच्चा जो सेवंथ में स्टडी कर रहे हैं, सेवंथ एट्थ और नाइन्थ स्टडी स्टूडेंट्स, इन बच्चों के लिए एग्जाम देकर नेक्स्ट का लॉन्च किया है। ये जो स्पार्क एग्जाम है उसमें सेवंथ एट्थ और नाइन्थ स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक एग्जाम है, नेशनल लेवल का एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। ये एग्जाम 15th मार्च को संडे को रहेगा, ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम ये होगा। एग्जाम जो रहेगा वो एक घंटे का रहेगा, दो शिफ्ट में रहेगा, एक सुबह के टाइम में 11 से लेकर 12 बजे के बीच में है और शाम को 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। इसमें बच्चों को 90% तक स्कॉलरशिप मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बच्चे को नेशनली कम्पीट करने का भी चांस मिलेगा। और इसमें जो लास्ट डेट है एनरोल करने की वो 13th मार्च है, तो 13 मार्च तक बच्चा एनरोल कर सकता है। 15 मार्च को एग्जाम होगा, 18 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। जो बच्चा एनरोल करता है, एनरोल के लिए 200 रुपीज फीस है, जो बच्चा एनरोल करेगा उसको हमने मेरिटनेशन जो ऑनलाइन पोर्टल है, एक लर्निंग पोर्टल है, उसको हमने एक्वायर किया है, तो मेरिटनेशन का फ्री ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा अप टू 31st मार्च फॉर करंट क्लास। और अगर बच्चा उसके बाद में एडमिशन लेता है हमारे पास में 18th मार्च के रिजल्ट आने के बाद में, तो बच्चे को 30 जून तक फिर प्रीमियम ऑनलाइन एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा मेरिटनेशन का, तो वो बेनिफिट बच्चे को मिलेगा। इसमें बच्चा हमारे पास में फाउंडेशन में 1 साल के लिए, 2 साल, 3 साल या 4 साल तक भी ज्वाइन कर सकता है, अप टू 12th क्लास तक हमारे पास में ज्वाइन कर सकता है, चाहे उसको मेडिकल की प्रिपरेशन करनी है या फिर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करनी है। फाउंडेशन में हम अपना ये NTSC की प्रिपरेशन करवाते हैं, ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, और सीनियर में हम KVPY की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो इससे उन बच्चों को फायदा होने वाला है जो बच्चे फाइनेंशियली पुअर है बट टैलेंटेड है और आगे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना रखते हैं, उनके लिए एग्जाम देना बहुत जरूरी है और उनको इनसे फायदा होगा।